नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई चर्चा में आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग को कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर में विभिन्न हिस्सों में दर्द होता है, कुछ लोग को कमर में दर्द होता है, कुछ लोग को थोड़ा सा कमर से ऊपर और कंधे के नीचे, कई लोग के कंधे में दर्द होता है, कई लोग की पूरी कमर में जकड़न सी हो जाती है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गर्दन कंधों में जकड़न हो जाती है, कई लोग हैं ऐसे जिनका शरीर जो सर है वो पीछे की तरफ दर्द होता है, कई लोग का सर दर्द हो जाता है, किसी का जो माथा है जहां पर आज्ञा चक्र को दर्शाया गया है उस जगह पे दर्द होने लगता है, कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं मेरे चेस्ट में दर्द होने लगता है, जैसे गैस बनने से या फिर नॉर्मल चुभन सी होने लगती चेस्ट में। इस प्रकार की कई समस्याएं कई साधक लोग बताते हैं। तो हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, क्यों दर्द होता है। तो सबसे पहली बात जो है कि हमारा पोस्चर खराब होता है। जन्मजात हम लोग बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर जो पोस्चर है वो खराब हो जाता है। कोई व्यक्ति थोड़ा सा गर्दन झुका के चलता है, कोई कमर झुका के चलता है, कोई गर्दन झुका के चलता है, कोई बहुत ज्यादा शरीर को टाइट करके चलता है। इससे क्या होता है कि आपका पोस्चर लेवल खराब हो जाता है। और जब साधक कुंडलिनी जागरण करता है तो जब कुंडलिनी ऊपर की ओर उठना शुरू करती है, ऊर्जा जब ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन होती है, उस समय क्या होता है साधक का पोस्चर ठीक होने लगता है। सबसे ज्यादा दर्द इसका है कि जब आपका पोस्चर ठीक होगा, कितने वर्ष से आपका शरीर का पोस्चर खराब हुआ, स्ट्रक्चर खराब हुआ है, अब जब वो ठीक हो रहा है तो ठीक होने में इतना जल्दी तो ठीक नहीं होगा, जैसे जैसे आपका ठीक होगा वैसे वैसे दर्द रहेगा, क्योंकि कई वर्षों से वो एक गलत दिशा में था, अब जाके ठीक हो रहा तो दर्द होता है। दूसरी चीज है कि हमारी जो नसें हैं, नाड़ियां, वो कमजोर होती हैं, वो ऊर्जा के वेग को सहन नहीं कर पाती हैं। जैसे आप जिम जाते हो, जिम में आप थोड़ा सा वर्क करते हो तो नाड़ियों में दर्द होने लगता है, क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा हो जाता। उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति भी एक ऊर्जा है, उसका जब प्रवाह ज्यादा होगा तब आपको नसें नाड़ियों में दर्द होगा, तो उससे भी ये दर्द बन जाता है। और एक चीज होती है कि हम लोग का खान पान उस प्रकार से है कि हम लोग उस ऊर्जा को धारण नहीं कर पा रहे हैं, हमारी शरीर उस प्रकार से डेवलप नहीं है, उस प्रकार से है नहीं, तो इसलिए भी दर्द होना स्वाभाविक क्रिया है। एक और बात हो जाती है कि साधक जो होता है मन मर्जी साधना करता है, बैठना उठना उसका खुद का जो बैठने का स्ट्रक्चर है, कौन सा आसन में बैठा है, इन सब की वजह से भी दर्द होता है। कितने दिन कुंडलिनी जागरण किया, कितने दिन के बाद विराम करना है, इसके कारण भी दर्द हो जाता है। कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत सात्विक रहना पड़ता है, उस कालखंड में जब आप साधना कर रहे हो तो भी एक बात होती है कि उसके कारण भी आपका दर्द बना रहता है। फिर कुंडलिनी जब जागृत होती है तो चक्रों का अवरुद्ध होना, क्योंकि पहले चक्र क्लीन होना चाहिए फिर कुंडलिनी जागरण करना है, तब तो सब खट चक्र भेदन होगा, लेकिन अगर आपके चक्रों में कहीं भी ब्लॉकेज है तब भी कुंडलिनी जागरण कर दिए तो आपको दर्द देगा। आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे शांत करें। तो सबसे पहले नियम क्या है, नियम ये है कि आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा, आपको सूक्ष्म व्यायाम करना पड़ेगा, शरीर को थोड़ा हरकत देनी पड़ेगी, प्रातः काल उठना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इन सबके द्वारा आप इसको शांत कर सकते हो। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा तो रुक जाइए, ब्रेक करके कीजिए, समय को कम कर दीजिए, अगर आप ज्यादा समय ले रहे तो समय को कम कर दीजिए, यह एक तरीका है। और सबसे आसान तरीका आज के युग में है, आप किसी फिजियो की मदद ले सकते हैं, आप जा करके अगर आपके जहां पर दर्द हो रहा वहां पर थोड़ा सा सिकाई करा सकते हैं, थोड़ा उसको आप मालिश जो करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट उससे मालिश करा सकते हैं, कुछ लोग इस प्रकार से करेंगे, उससे भी ऊर्जा का संचार सुचारू रूप से हो जाता है, क्योंकि जहां ऊर्जा रुकी है वहां पर कुछ न कुछ समस्या है आपको पहले शरीर में,
ये चीज को समझना चाहिए। ये प्रमुख तरीका है जिनके द्वारा हम लोग अपनी कुंडलनी शक्ति से होने वाले दर्द को समझ सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं। हमको विश्वास है यह दिव्य चर्चा आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।